रामन और जादूगर। एक बार चित्तूर गांव से एक जादूगर कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने अपनी जादू से सभी का मनोरंजन किया। अंत में उसने कहा, हे राजन, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसे कारनामे नहीं कर पाएगा। कृष्णदेवराय उस आदमी के गर्व से असंतुष्ट हुए। क्या यहां कोई है जो इस जादूगर को हरा सके? कोई भी नहीं उठा। राजा चकित हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रामन ही इस स्थिति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। रामन, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। तुम्हें एक ऐसा कर्तव्य करना है जिसे ये आदमी नहीं कर सकता। रामन आश्चर्यचकित हुआ और चिंतित होके घर गया। अरे, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने आज्ञा दी है, मुझे एक कर्तव्य करना है जिससे उस जादूगर को हरा सकूं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। क्या? जरा मुझे ठीक से बताइए तो, राजा ने क्या कहा? मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे वो जादूगर नहीं कर सकता। रामन की पत्नी ने अपने बच्चों को रेत पर खेलते हुए देखा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में, आओ रामन, क्या कर्तव्य के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं अपनी आंखें बंद करके एक कर्तव्य करूंगा। इस जादूगर को उसे खुली आंखों से करना होगा। खुली आंखों के साथ? ये तो आसान होगा, शुरू करो। रामन ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ रेत उस पर डाली। अब इस रेत को ले लो, तुम्हें इस जादू को खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो चला गया। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें पहले जैसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिए।